हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो यार, ये है हमारा अमेलोडस, इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने बात करी थी क्लासिफिकेशन के बारे में और उसके कंपोजिशन के बारे में अमेलोइड के। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिस्टमिक अमेलोडोसिस एंड लोकलाइज्ड अमेलोइडोसिस, जो कि एक क्लासिफिकेशन था हमारा कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्सटेंट। तो सिस्टमिक अमेलोडोसिस के बारे में बात करते हैं। तो सिस्टमिक अमेलोडोसिस के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी सिस्टमिक AL amyloidosis। तो AL जो है amyloid light chain fibril protein is a systemic or generalized in distribution, ठीक है। 30% of cases has plasma cell disorder, ठीक है। मतलब AL वाला जो है deposition वो 30% cases में देखा जाता है। 15-20% cases are of multiple myeloma। तो अब Neoplastic plasma cells usually are single clone, ठीक है। Neoplastic plasma cells are generally single clone, that is produces same type of immunoglobulin light chain। आई बात समझ में। Almost all cases of multiple myeloma have either lambda or kappa light chains and excreted as Benz-Jones protein in urine। तो एक ही important feature हो गया कि AL जो है primary systemic AL type of amyloidosis में आपका Benz-Jones प्रोटीन रिलीज होगा यूरिन में। 70% जो रिमेनिंग बच्चे डोंट हैव प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर एविडेंट। हाउ एवर बाय मोर सेंसिटिव मेथड सम प्लाज्मा सेल्स एबनॉर्मेलिटीज आर डिटेक्टेड इन ऑल पेशेंट्स। तो बाकी के 70% जो केसेस हैं उसमें हमें अभी तक तो कोई प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर नहीं मिला है, एविडेंस नहीं हुआ है, बट सेंसिटिव मेथड से जब चेक किया गया तो कोई ना कोई प्लाज्मा सेल की एबनॉर्मेलिटी पाई गई है इन सभी पेशेंट्स में। Treatment of AL amyloid is targeted at reducing underlying clonal expansion of the plasma cells। तो underlying clonal expansion of plasma cells को रोक दो तो automatically आपका AL amyloid वाला जो चीज़ है वो treat हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारा second number का, that is secondary reactive AA systemic amyloidosis, ठीक है। तो primary हो गया हमारा, अब हमने secondary बात कर रहे हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं secondary reactive AA systemic amyloidosis। So it is reactive inflammatory or secondary in which fibril proteins contain AA amyloid। उसमें क्या था, containing AL amyloid। इसमें क्या, reactive inflammatory or secondary in which fibril protein is AA amyloid, like amyloid associated, occurs as complication of chronic infections or non-infectious chronic inflammatory conditions and some tumors। वहाँ पर क्यों होता, neoplastic प्लाज्मा सेल की मोनोक्लोनल प्रॉपर्टी कार्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अकर एज कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रॉनिक इन्फेक्शंस और नॉन इन्फेक्शस क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशंस एंड सम ट्यूमर्स लाइक टीबी, ब्रोंकाइटिस, पोलिनेफ्राइटिस एक्सेट्रा, एंड जो हमारे साथ डिसऑर्डर्स हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE एक्सेट्रा, सीन मेनली इन सॉलिड ऑर्गन्स लाइक लीवर एंड किडनी। फिर सेकेंडरी अमाइलोडोसिस कैन अकर एट एनी एज, इज़ द ओनली फॉर्म विच कैन अकर इन चिल्ड्रन। सो AA जो टाइप है हमारा वो अकेला है जो किसी भी एज में हो सकता है इंक्लूडिंग चिल्ड्रन। ट्रीटमेंट इज़ टू ट्रीट अंडरलाइंग इन्फेक्शियस इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो अंडरलाइंग डिसऑर्डर्स जो है इन्फेक्शियस उनको ट्रीट करना है, इसका ही ट्रीटमेंट है, रिजल्टिंग इन लोअरिंग ऑफ SAA प्रोटीन। तो ये हो गया हमारे दो। थर्ड वाला है हेमोडायलिसिस एसोसिएटेड Aβ2 अमाइलोइडोसिस। पेशेंट ऑन लॉन्ग टर्म डायलिसिस, ठीक है, फॉर मोर देन 10 ईयर्स में डेवलप सिस्टमिक अमाइलोडोसिस डिराइव फ्रॉम Beta-2 माइक्रोग्लोबुलिन। तो क्या होता है, Beta-2 माइक्रोग्लोबुलिन क्या है, एक कंपोनेंट है ऑफ MHC, ठीक है। तो ये डिपॉजिट हो जाता है इन वेसल वॉल्स ऑफ साइनोवियम जॉइंट टेंडन सीट्स, इफ डिपॉजिटेड नियर मीडियन नर्व इन रिस्ट, कार्पल टनल सिंड्रोम भी हो सकता है। सीजेशन ऑफ डायलिसिस आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट डिक्रीजेस द सिम्टम्स। तो अगर आप बंद कर देते हो डायलिसिस को आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट तो एक वो सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा। होता है कि डायलिसिस में सब कुछ बाहर जा सकता है एक्सेप्ट Beta-2 माइक्रोग्लोबुलिन, जिसके कारण इसका डिपोजिशन बॉडी में बढ़ जाता है। नाउ हेरिडो फैमिलियर अमाइलोडोसिस। तो हेरिडिट्री पॉली न्यूरोपैथिक ATTR अमाइलोडोसिस। क्या, हेरिडिट्री पॉली न्यूरोपैथिक ATTR अमाइलोडोसिस। इसमें क्या बोला हमने, हेरिटो फैमिलियर अमाइलोइडोसिस। इसमें क्या होगा,
ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है इन विच एमाइलॉइड इज डिपॉजिटेड पेरिफेरल एंड ऑटोनोमिक नर्व्स रिजल्टिंग इन मस्कुलर वीकनेस पेन पैरेस्थीसिया. ठीक है. दिस टाइप ऑफ एमाइलॉइड इज डिराइव फ्रॉम ATTR ट्रांसथायरेटिन. TTR क्या के लिए स्टैंड कर रहा है? ट्रांसथायरेटिन विथ सिंगल एमाइलॉइड विथ सिंगल AA सब्स्टिट्यूशन. ठीक है. नाउ म्यूटेशन. एमाइलॉइड इन फैमिलियल मेडिटेरियन फीवर AA. तो फैमिलियल मेडिटेरियन फीवर में AA टाइप का मिलता है. ये क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव है. कंडीशन कैरेक्टराइज बाय पीरियोडिक अटैक्स ऑफ फीवर दैट इज इन्फ्लेमेटरी इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्लूरा पेरिटोनियम एंड साइनोवियम कॉजिंग पेन इन चेस्ट एब्डोमेन एंड जॉइंट्स. तो हमने इन्फ्लेमेटरी वाला पार्ट AA में कहाँ पढ़ा था और सेकेंडरी AA टाइप ऑफ एमाइलॉइडोसिस में. यहाँ पे बस क्या है? एमाइलॉइड इन फैमिलियल मेडिटेरियन फीवर AA टाइप. इसमें भी क्या हो रहा है? वही इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्लूरा पेरिटोनियम एंड साइनोवियम जो कि कॉज कर रहा है पेन इन चेस्ट एब्डोमेन एंड जॉइंट्स. Amyloid here is AA type showing relation to secondary amyloidosis to chronic inflammation. Now, next है हमारा rare hereditary forms. Heredofamiliar mutations of several proteins being reported like apolipoprotein A, amyloid lysozyme, this type may lead to systemic amyloidosis. तो हमारा ये ख़त्म हो गया भाई systemic amyloidosis. इसके अंदर हमें पढ़ा सबसे पहले AL type, फिर AA type. उसके बाद हम आए थे नेक्स्ट गाय में कि हीमोडायलिसिस एसोसिएटेड ए बीटा 2m. फिर हमने पढ़ा था हेरिडोफैमिलियल एमाइलोडोसिस में. पहला हमने पढ़ा था हेरिडोफैमिलियल एमाइलोडोसिस में हेरिडिटरी पॉलीन्यूरोपैथी ATTR टाइप. फिर हमने पढ़ा कि एमाइलॉइड इन फैमिलियल मेडिटेरियन फीवर AA टाइप. नेक्स्ट लोकलाइज्ड एमाइलोडोसिस. तो लोकलाइज्ड एमाइलोडोसिस के अंदर क्या आ रहा है? पहला हमारा इसमें आ रहा है सिनाइल कार्डियक एमाइलोडोसिस ATTR. अगेन ATTR ही आ रहा है बट सिनाइल कार्डियक एमाइलोडोसिस है वो. और वहाँ पे क्या था? हेरिडिटरी पॉलीन्यूरोपैथिक ATTR एमाइलोडोसिस. ठीक है. यहाँ पे सिनाइल कार्डियक एमाइलोडोसिस तो सीन इन 50% ऑफ पीपल अबव एज 70 ईयर्स डिपॉजिट सीन इन हार्ट एंड एरोटा. एमाइलॉइड इज ATTR बट without change in protein structure of TTR. This is transthyretin. अब ये हो गया हमारा सीनाइल कार्डियक amyloidosis. अब हम बात करते हैं सीनाइल सेरेब्रल amyloidosis के बारे में. तो यहाँ पे हमने क्या बात की थी? सीनाइल कार्डियक amyloidosis. यहाँ पे हम बात करें सीनाइल सेरेब्रल amyloidosis. तो सीनाइल सेरेब्रल amyloidosis जो है इज हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ amyloid डिपोजिशन. ठीक है. सम इम्पॉर्टेंट डिसीजेज एसोसिएटेड आर अल्जीमेयर डिसीज जिसमें ए बीटा का डिपोजिशन होता है, डाउन सिंड्रोम भी जिसमें भी ए बीटा का डिपोजिशन होता है, ट्रांसमिसेबल स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथीज विच इज़ EPRP. ठीक है. तो तीन पढ़ा मैं अल्जीमेयर डिसीज, डाउन सिंड्रोम एंड ट्रांसमिटेड स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथीज. नाउ नेक्स्ट है हमारा एंडोक्राइन एमाइलोडोसिस. तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? सिनाइल कार्डियक एमाइलोडोसिस ATTR टाइप, सिनाइल सेरेब्रल एमाइलोडोसिस ए बीटा एंड APRP टाइप, एंडोक्राइन एमाइलोडोसिस. इसके अंदर क्या है? सिनाइल एमाइलॉइड एसोसिएटेड विद एंडोक्राइन लेसन्स. फर्स्ट एग्जांपल मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड जिसके अंदर ए कैल्सिटोनिन हम देखते हैं, मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड. दूसरा आइलेट सेल ट्यूमर ऑफ पैनक्रियास AIAPP. ठीक है. अमाइलॉइड आइलेट अमाइलॉइड पॉलीपेप्टाइड. ठीक है. आइलेट अमाइलॉइड पॉलीपेप्टाइड IAPP. डायबिटीज मलाइटस ए इंसुलिन, लोकलाइज ट्यूमर फॉर्मिंग अमाइलॉइड AL टाइप, समटाइम्स एसोसिएटेड ट्यूमर लाइक फॉर्मेशन ऑफ अमाइलॉइड डिपॉजिट सी. इन मोस्ट ऑफ दिस केसेस द अमाइलॉइड टाइप इज AL. ठीक है. तो यार ये था हमारा आज के वीडियो का टॉपिक, दैट वॉज सिस्टमिक एंड लोकलाइज्ड वाला. तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई. अगर समझ आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.